नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा है नेक्स्ट टॉपिक। इसका मतलब है कि कुछ मिक्स टॉपिक है, कुछ और भी टॉपिक है जिस पे हम काम करेंगे। तो चलिए, हमने अभी तक जो देखा है उसके बारे में रिवीजन। चलिए, एक टॉपिक बचा हुआ था, वो है पीपीएम। पीपीएम क्या है इसे देखें। आपने परसेंट पर परसेंट परसेंट सुने होंगे, यानी परसेंट यानी प्रति सौ में। 5%, 2%, 3%, 10%, ये क्या मतलब होता है? मतलब सौ में। तो वहां पर परिभाषाएं जो होती थी, कहते थे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का प्रतिशत मात्रा, द्रव्यमान। मैंने क्या कहा? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान या ग्राम में मात्रा, उसको क्या कहेंगे? उसके परसेंट कहेंगे। तो 100 ग्राम में उपस्थित, यहां पर लिखा हुआ है पीपीएम, पर पार्ट्स पर मिलियन। इसको कुछ इस तरह से देखें, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। परसेंट का क्या मतलब है? परसेंट का मतलब होता है पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में ए बी कितना है, टोटल मिलाकर के 100 ग्राम है, उसमें इसका मास। वैसे ही है यहां पर, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है, पीपीएम का मतलब है कि प्रति 10 मिलियन भाग में, सॉरी 10 लाख में, मिलियन में, 1 मिलियन में, प्रति 1 मिलियन में। 1 मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 10^6। तो प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, इसको क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग तब करते हैं जब सॉल्यूशन में उसका जो सॉल्यूट है या जो घुला हुआ पदार्थ है वो काफी कम मात्रा में घुली होती है, तब पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग करते हैं। सो यहां पर इस चीज को इस तरह से दो तरह के डेफिनेशन देने वाला हूं, इसलिए एक डेफिनेशन को आपके सामने लिख दिया हूं, दूसरे डेफिनेशन को मैं यहां पर लिखता हूं, वहां पर वो लिखा हुआ है दोनों तरह से। देखिए, प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में विलेय का द्रव्यमान भागों की संख्या क्या कहलाती? प्रति 10 लाख कहलाती है, यानी कि पीपीएम कहलाता है। इसको अगर मैं आपको दूसरे तरह से डिफाइन करूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, देखें, प्रति 10 लाख ग्राम या 1 मिलियन ग्राम, ऐसे बोल सकते हो, 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान भाग या का ग्राम द्रव्यमान वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, ग्राम द्रव्यमान पीपीएम कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा, ठीक है जी। सूरज विश्वकर्मा, बिल्कुल, आप स्टार्ट करते रहो, आगे चलते रहो, देखते रहो क्या है। यहां पर ये बातें आपके लिए काफी इजी हो गई। अब इसको हम जैसे 100 में परसेंट में क्या करते हैं बेटा, बी का परसेंटेज बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ बी, तब क्या लिख रहे हो आप? यहां पर लिख रहे हो डब्ल्यू बी इन टू 100 बाय, क्या लिख रहे हो? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, या फिर लिख रहे हो क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी लिख रहे हो। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी टोटल मास। इसको मैं अगर पीपीएम में बोलूं तो पीपीएम
ऑफ बी बोलूं तो क्या बोलूंगा, डब्ल्यू बी होगा, पर यहां पर होगा ये कि ये डब्ल्यू बी इंटू 10 लाख यानी कि 10 लाख बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। बस यही है पीपीएम, सिंपल वे में हम ऐसा ही कुछ कहेंगे। तो जब सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में कोई कंपोनेंट घुला होता है तब इसका उपयोग करते हैं, पीपीएम का उपयोग करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम परसेंट का उपयोग करते हैं और दूसरी चीजों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पीपीएम, पीपीएम जो बचा हुआ था इसका उपयोग, जैसे कि ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में घुला हुआ, कितनी मात्रा में घुली हुई है पानी में, तो ऑक्सीजन की मात्रा को बताने के लिए पीपीएम का उपयोग किया जाएगा। या फ्लोराइड कितना घुला हुआ है पानी में हो सकता है, तो इसके बारे में उपयोग करते हैं। कुछ दवाइयां होती है बहुत ही माइनर, हमारे शरीर के लिए जरूरत पड़ती है, उस टाइम भी इस चीज का उपयोग किया जाता है। सो ये पीपीएम में इसका उपयोग किया जाता है। हार्डनेस को भी पीपीएम में ही दिखाया जाता है, पानी में हार्डनेस हो तो ऐसे कुछ चीजें हैं। तो फॉर्मेलिटी को समझने के लिए आपको मैं ले जाता हूं, हाँ आपको ले जाता हूं मैं यहां पे मोलैरिटी। जैसे कि आप मोलैरिटी जानते हो ना, बिल्कुल वही है चीज, ये कोई अलग नहीं है। मोलैरिटी में क्या बोल रहे थे, एक विलयन में विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, फॉर्मेलिटी बता रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा। हाँ यहां पर ध्यान दो, विलयन में क्या लिखे, यह विलयन के एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या है। मोलैरिटी क्या है, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है। बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पर थोड़ा चेंज करूंगा। तो ये मोलैरिटी को आप जानते हो, मोलरता को जानते हो, तो इसी चीज को मैं एक बार यहीं पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर फॉर्मेलिटी इसी से रिलेट होकर के आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ, क्या लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके दिमाग में तो है ये चीज, जानते हैं। तो इसको हम कैपिटल एम, सॉरी हाँ कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लीजिए, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। अब ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज कर दूं तो ये फॉर्मेलिटी बन जाएगा और इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है विलेय के मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या के जगह वर्ड्स यूज करोगे, मोल का मतलब क्या हुआ बेटा, मोल मतलब होता है ये होगा उसका मास बाई मोलार मास, इसको कहते हैं मोल। तो फॉर्मूला आपके पास क्या नजर आ रहा है, एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी by mb into v in ml में कर दूं तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर into 1000 मिलेगा। यहां पर ये जो है मोल है, नंबर ऑफ मोल, यहां पर पूरा जाता है, क्या बोला जाता है, ग्राम सूत्र भार, इस शब्द में लिखा जाता है ग्राम सूत्र भार। यहां पर इंग्लिश में मोल वर्ड्स की जगह पे क्या क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम सूत्र भार, मोल की जगह बस चेंज हुआ है ना, ध्यान रखना। यहां पर क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, मोल शब्द की जगह लिखा जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास। बस डेफिनेशन में ये एक चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी चेंजेस को ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान क्लियर करो इधर। तो ग्राम फॉर्मूला मास, क्लियर हो गई, ग्राम फॉर्मूला मास, ये दो वर्ड्स पे चेंजेस करना पड़ेगा, बस एक ही वर्ड पे चेंज करना पड़ेगा, मोल की जगह पे ये। इस ये एक मतलब क्या होता है, मोल ये है तो ग्राम फॉर्मूला मास क्या है ये पता चल गया। यहां पर विलेय शब्द है ना, तो विलेय की जगह चेंज होगा, यानी सॉल्यूट की जगह चेंज होने वाला, एक शब्द सॉल्यूट की जगह चेंज होने वाला है आयनिक सॉल्यूट, आयनिक सॉल्यूट। अब बेटा अब इसके फॉर्मेलिटी का, फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा
ठीक है। एफ का डेफिनेशन आपके सामने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है यह विलयन के एक लीटर में आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या होती है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन लिख लो क्योंकि मैं यहां पर स्पेशल लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। बोलो फॉर्मेलिटी। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब आपके पास एक शब्द आता है आयनिक सॉल्यूट और दूसरा शब्द आता है ग्राम सूत्र भार। आयनिक सॉल्यूट मतलब क्या होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिनको जल में घोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिनको पानी में घोलते हैं या उनको पिघलाते हैं, यानी मेल्टन कंडीशन में रखते हैं, मोल्टन कंडीशन में रखते हैं, तो दोनों यानी पिघली अवस्था में या उसे पानी में घोलते हैं, तब वो आयन में टूट जाता है, प्लस और माइनस भाग में टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, NaCl, CaCl2, CuSO4, ये सब क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है, पानी में घोलते ही ये Na प्लस Cl माइनस बना लेगा। वो सारे पदार्थ जो आयन बनाती है Cu+2SO4-, यानी जो सारे पदार्थ NaOH जो भी होगा ना, Na प्लस OH माइनस, इन सारे पदार्थों के लिए आपको फॉर्मेलिटी वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने समझा यहां पर कि फॉर्मेलिटी में एक शब्द आ रहा है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी हो गई, आयनिक सॉल्यूट के बारे में जानकारी हो गई। अब दूसरा शब्द है यहां पर ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक, ग्राम फॉर्मूला मास। इसका मतलब क्या होता है, आयनिक कंपाउंड NaCl है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में जब रहे हैं तो आप ये जानते हो कि ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता है, एक अणु के फॉर्म में नहीं होता, यानी कि एक Na प्लस और एक Cl माइनस आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, जबकि ऐसा रहता है कि प्रत्येक क्रिस्टल में Na प्लस और Cl माइनस का एक रेशियो होता है, 1:1 में होता है। यानी अगर एक क्रिस्टल के अंदर 10,000 अगर Na प्लस है तो 10,000 आपके पास Cl माइनस भी होगा। सो हम इनके रेशियो 1:1 के बेस पर हम इनको डिनोट करते हैं NaCl के रूप में। 1:10,000 10,000, 10 लाख 10 लाख, 5 लाख 5 लाख, 2 लाख 2 लाख, ऐसे होता है। मतलब ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना CH4 में आप जानोगे कि एक C के साथ 4H डायरेक्टली जुड़ा होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, सॉरी ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, अणु है, ये एक अणु बनाता है, यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन रियल में अटैच रहते हैं, किसमें, CH4 में। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में या सहसंयोजी यौगिकों में, सहसंयोजी हो कोवेलेंट कंपाउंड जिसको कहते हैं, उसमें हर एक अणु के साथ, एक अणु में कई जितने परमाणु जुड़े होते हैं एक निश्चित उसमें अनुपात होता है और साथ में वो आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड में यह नहीं कहा जाता है कि एक Na प्लस एक Cl माइनस के साथ ऐसे एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसा कभी नहीं देखे आप लोगों ने। बस ये क्या होता है, ये उनका रेशियो होता है, उनका अनुपात होता है। तो आयनिक कंपाउंड में अनुपात में होते हैं, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो में है वो है NaCl में 1:1। तो इसीलिए कहा जाता है कि आयनिक कंपाउंड के लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है, किसको, जो जिसको हम यहां पर मोल शब्द यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज किए मोल, CH4 के लिए यूज किए, CH3COOH के लिए यूज करे, ये जो मोल शब्द है, हमेशा मोल वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, जिसको कहते हैं सहसंयोजी यौगिक, जो कि क्या बनाती है,
अणु बनाती है, मॉलिक्यूल बनाती है, अणु बनाती है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, मोल। मोल को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, और मोल क्या होता है, इसमें यह होता है इसका जो पदार्थ लिए हो उसका द्रव्यमान लिखोगे और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, अणु भार लिखोगे। तो ये अणु भार होगा, इसके लिए अणु भार होगा। जैसे मैंने कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा था, CH4 है, CH3 है, या यूरिया है। यूरिया में क्या होता है, एक N के साथ 2H जुड़ा हुआ है, फिर ये C डबल बॉन्ड O है N, ये एक अणु है, बिल्कुल एक सेट है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहां पर हम लोग सब क्या करते हैं बेटा, कि ज्यादा वर्डिंग्स यूज होते हैं ना, इसलिए मैंने फॉर्मेलिटी को रोक के रखा था, जब कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा करके। सो आज समझ लो इसका मतलब। मैं भी फॉर्मेलिटी में आते हुए, यानी फॉर्मलता को समझते समय या एग्जाम में लिखते समय मुझे हड़बड़ाहट होती थी अपने टाइम पे, तो आपको भी वही होने वाली है। सो आप उस हड़बड़ाहट से बच जाए, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। तो क्लियर हो गई बातें। मोल किसके लिए होता है, सहसंयोजी यौगिकों के लिए होता है, क्योंकि वह अणु बनाती है। इस तरह से एक अणु बनाता है, हर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है यूरिया में, तो यह फिक्स है, इसलिए अणु भार का उपयोग करते हैं। तो अणु भार क्या है, आपको समझ में आता है, आप तो जानते ही है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों को जोड़ दोगे तो अणु भार मिलेगा। लेकिन अब ग्राम फॉर्मूला मास की तरफ जा रहे हो, वो क्या है, अब समझ में आ जाएगा। ग्राम फॉर्मूला मास का उपयोग किया जाता है आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में ग्राम फॉर्मूला मास का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी अणु आयंस आपस में फिक्स तौर पे जुड़ा नहीं रहता है। सो वहां पर क्या होता है, एक निश्चित अनुपात माना जाता है, सरलतम अनुपात में उसे लिखा जाता है, दोनों आयनों के सरलतम अनुपात लिखा जाता है। तो इसे कहा जाएगा यहां पर, इसके जो हम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं ना, NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या है, अणुभार क्या है, तो ये गलत शब्द है, साइंस के लेवल में गलत शब्द है, लेकिन उपयोग करते हैं। किस चीज का, अणुभार। इसका अणुभार बताइए या मॉलिक्यूलर भार बताइए या आणविक द्रव्यमान बताइए, यह गलत शब्द है। अब यह गलत शब्द है क्यों, क्योंकि यह अणु बनाती ही नहीं है, तो आणविक द्रव्यमान या अणुभार या मॉलिक्यूलर मास कहना गलत है। तो इसके जगह पे दूसरे शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है फॉर्मूला मास। आयनिक यौगिकों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, उसके जगह उपयोग किया जाता है फॉर्मूला द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान उपयोग किया जाता है। और इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहां पर भी M से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट में जो फॉर्मूला मिलेगा, अच्छा अब बात हुई ये ना, M से दर्शा सकते हैं। तो अब बात आता है कि ग्राम फॉर्मूला मास क्या कहेंगे, किसे कहेंगे। तो ग्राम फॉर्मूला मास हो गया, अगर आप फॉर्मूला द्रव्यमान को और सूत्र द्रव्यमान को M से दर्शा रहे हो तो हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा द्रव्यमान बटा M, यानी बिल्कुल मोल जैसा, बिल्कुल मोल जैसा। यहां पर लिखे हो ना N इज इक्वल टू W बाय M मोल को, तो बिल्कुल M मोल जैसा आप इसे लिख सकते हो। तो ये हो गया W बाय M। अब ये बात होने वाला है कि आप थोड़ी सी कंफ्यूजन में भी जाओगे जब आप लिखोगे, जब आप एग्जाम के टाइम पे जाओगे। उससे अच्छा है कि इस वीडियो को 2 बार कम से कम इस जगह पर आप देख लो, अगर फॉर्मूला को पकड़ना चाहते हो, फॉर्मलता को पकड़ना चाहते हो। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, फॉर्मूला शब्द उपयोग किया गया है, इसलिए फॉर्मल शब्द लग गया। मोलरता, मोलिकुलरिटी, मोलर से, मोल से रिलेट होता है, इसलिए मोलरता कहा जाता है। तो दो तरफ की बातें आपके पास आई है। चलिए तो भाई इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो जरा समझेंगे। तो आप इसे यहां पर नोट करें फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू विलेय का, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, विलेय का ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान या ग्राम सूत्र द्रव्यमान बाय विलयन का लीटर में आयतन, में आयतन। तो
तो क्या मतलब हुआ, एफ इज इक्वल टू, यहां पर मैंने क्या लिखूंगा, ग्राम शब्द को अलग करूंगा, फॉर्मूला द्रव्यमान को अलग करूंगा, तो ग्राम के लिए हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई बी का फॉर्मूला द्रव्यमान बाय आयतन किसका, इन लीटर। सो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, इसको हमने किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू वी एन लीटर इंटू, यहां पर एमएल में लीटर है तो इसको एमएल कर दूं, तो एमएल, तो यहां पर हो जाएगा 1000। तो आप जरा देखो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यानी कि जो भी काम करोगे कल के डेट में फॉर्मेलिटी भूल भी गए तो मोलैरिटी जैसा कर देना, सामने क्या लगा देना, आप एफ लगा देना, बस इतना ही कहूंगा। याद रखना बुक्स में इतना करने के बाद आपको आगे कुछ नहीं लिखा जाता है। सो क्या होते हैं बच्चे, जो बच्चे उस न्यूमेरिकल को बना भी सकते हैं ना, वो भी नहीं बना पाते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई होगी बेटा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फॉर्मेलिटी को याद करना समझना, इसीलिए मैंने मोलारिटी समझाते समय ये नहीं समझाया। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे क्लास में, पहले कोई चीज जब समझते हो ना उसको, मैं कुछ ऐसे कहता हूं, एक पेड़ में जब फल लगता है वो है, यानी आपके दिमाग में ज्ञान की एक फल लगा, आया फल आया, ज्ञान सीखने के लिए जब मन बनता है तो फूल खिलना होता है, कुछ फूल खिल करके फल में तब्दील हो जाती है, और जो फूल से फल बनता है तो जब आप पढ़ रहे होते हो, जब सीख रहे होते हो, तो वो तेजी से वो फल का बढ़ना होता है, फल बढ़ गया, तेजी से बढ़ा, इसको कहते हैं कि ज्ञान हासिल करते गया। लेकिन आपने पेड़ों में देखे होंगे वो जो फल है छोटा सा, बड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उस फल को पकने में बहुत टाइम लगता है। वैसे ही ज्ञान अर्जित करना, करते करते हम करते हैं और तेजी से हम करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अर्थपूर्ण बनाना, मीनिंगफुल बनाना, इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यानी फल इतनी बड़ी हो भी गई है, पूरी फुल साइज में आ भी गई है, तो पकने में जितने दिन उस फल के फूल से फल बनने तक और बड़े होने तक टाइम लगा था, उतना टाइम उसके बड़े होने के बाद पकने में लगता है। तो क्या मतलब हुआ कि वैसे ही ज्ञान जो है अर्जित करने के बाद उसे पकाने में, उसे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने मोलैरिटी को पहले पढ़ाया, छोड़ा, उसके बाद आपको मोलैरिटी के साथ फॉर्मेलिटी को आपको समझाया। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। एक बच्चा है तो आपको क्या लिखा मैंने मिला आपको, देखो यहां पर ऊपर आप लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ग्राम फॉर्मूला मास लिखा है, तो यहां पर क्या लिखोगे, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, और क्या सॉल्यूट लिखोगे, आयनिक सॉल्यूट, ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ड्स अच्छा लगेगा। और ये क्या लिखोगे इधर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसी चीज को आप मिटा दे रहा हूं, इसी चीज को यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, आयनिक सॉल्यूट, फिर वी एन लीटर। अब फाइनली हमने उस फॉर्मूला मास को एम से ही डिनोट करना है, तो यहीं पे आप चाहो तो एक संकेत रहने दीजिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखेगा, तो एफ इज इक्वल्स टू हम यहां लिख देते हैं डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू वी एन लीटर ऊपर 1000। बिल्कुल फाइनली वो दोनों सेम होता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इंग्लिश फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपको, हिंदी वाले तो हिंदी में रखो ना, ठीक है। ये सब आपको पढ़ा चुका हूं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
ये टॉपिक है, देखें क्या पीपीएम हो गया। चलिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं जस्ट आता हूं पानी पी के। जैसे कि आप जानते हो थोड़ा सा पानी पीता हूं मैं इसमें, तो आप देख लीजिए जल्दी से नोट करो बेटा। हाँ ML होगा, कहीं पे गलती हो गई होगी तो चेक कर लीजिएगा ना, आप स्टूडेंट हो समझ गए होगे, ठीक है। चलो हेनरी का नियम। बेटा एक बात बताओ, एक छोटा सा प्रयोग हम लोग कर लेते हैं कि आपके यहां कोका कोला, स्प्राइट इस तरह का सॉफ्ट ड्रिंक आता है, आपने ढक्कन खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। और कहां से निकलती है? अंदर से, पानी जो लिक्विड रहता है उनके भी अंदर से निकलती है बुलबुले के रूप में, आपने देखा है, मतलब वो पानी में घुला रहता है। ढक्कन खोलते हो क्यों वो गैसें निकलती हैं? कारण देखें, जस्ट उल्टा समझते हैं इस चीज कि ऐसे कुछ समझे, ये पानी है, सॉल्वेंट है, ए है, ये पूरा बंद हमने रखा, एक पाइप रखे हमने, और इस पाइप से ये लीजिए नॉब रख दिए, इस पाइप से पंप की सहायता से हमने गैस, और वो गैस क्या है चलो मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये ए क्या चीज है, H2O है, हमने इसमें भेजा, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आएगा, और जब इसको हाई प्रेशर में भेजा हमने, हाई प्रेशर में भेजा तो क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर अब ये जाकर के घुलने लगी। थोड़ा सा हिला दिए और हमने प्रेशर अधिक रखा, तो जितनी ज्यादा प्रेशर डालते जाओगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आती जाएगी और इसमें मिक्स होते जाएगा। क्या बोला गया? बोला गया कि जो गैस है वो क्या होने लगा, इसमें जितनी ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ही ज्यादा वो घुलने लगा, समझ रहे हैं? तो घुली हुई गैस का जो मास होता है उस पर लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसके समानुपाती होता है। घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लगाए गए प्रेशर के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये है हेनरी का नियम। हेनरी कहता है जितना ज्यादा फॉर्मूला लगाओगे, ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, सर सिंपल अनुपात होगा। उपाध्याय जी रुकिए, उपेंद्र जी बाद में बात करते हैं, चलिए लास्ट में पूछिएगा, जब मैं बोलूंगा ना पूछो क्या क्या पूछना है तब बताना आप लोग, ठीक है। तो हेनरी के इस नियम को हम ठीक से समझ लें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या देखिए आपने, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, दाब लगाने पर घुले हुए गैसों का द्रव्यमान बढ़ता है, यही है हेनरी का नियम। देखो लिखा है, स्थिर दाब पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान M उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर नहीं लिखेंगे, इसको स्थिर ताप पर लिखेंगे, थोड़ी सी गलती हुई वहां पे लिखने में, तो स्थिर ताप पर हम इसलिए पढ़ लेते हैं एक बार कि कहीं गलती ना हो। स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अलग अलग बातें हो सकती है तो उसके बारे में बातचीत नहीं करें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं किए, प्रेशर में चेंजेस किए, पी में चेंजेस किए, प्रेशर हाई करोगे घुले हुए गैस का द्रव्यमान बढ़ेगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ठीक। हम यहां पर एक छोटी सी लाइन आपके लिए लिख दिए हैं उसको समझेंगे। इस नियम के साथ साथ डाल्टन ने भी कुछ इस नियम में कुछ सुधार किए और उन्होंने कहा कि जो अपने प्रयोगों के आधार पर नियम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि द्रव गैस में विलेयता या द्रव में गैस की विलेयता के लिए आंशिक दाब यानी कि फंक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर होती है। क्या होता है? आंशिक दाब का फलन होता है। मैं थोड़ी समझाता हूं इसको। इन्होंने कहा है कि द्रव में जब गैस घुलती है तो उसके बीच में एक संबंध होता है, एक फलन होता है, वो क्या होता है? वो होता है कि गैस के द्वारा लगाए गए दाब का उनके मोल फ्रैक्शन के साथ समानुपातिक संबंध होता है। बस ये और ये दोनों सिद्धांत एक है, चूंकि ये पहले आया ये बाद में आया, लेकिन अधिकांश जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके बेस पर करेंगे। इसके न्यूमेरिकल में कुछ खास खास बातें होती है, इसलिए मैं यहां पर आज के क्लास में न्यूमेरिकल वाले टर्म्स को नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना फलों को पकने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं। हेनरी के नियम को आप अच्छे से समझ के आप रखोगे, सो कल की क्लास में हेनरी या परसों या नर्सों किसी दिन हेनरी के नियम का हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे।
तो चलो, तो इसका मतलब हुआ गैस का, देखो इस प्रकार हमने यहां पर एक डेफिनेशन तैयार हुआ है, वो ये है कि ये लिखना जरूरी, ये नहीं लिखेंगे इतना तो चलेगा एग्जाम में, तो ये बातें जरूर लिखेगा। डाल्टन के अनुसार उन्होंने कहा यदि गैस की विलेयता, विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की क्षमता, ज्यादा से ज्यादा घुलती है, उसके मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या होगा। इसका मतलब हुआ गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहां पर बोला गया है, इस चीज को मैं यहां पर लिख दूं, इस जगह पर लिख रहा हूं, इसका मतलब लिख दूं, प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये कहने की कोशिश कर रहा है ये, तो आप लिख सकते हो। सो उसी चीज को यहां पर लिखा गया है, तो मैं यहां पर इसको थोड़े से ऊपर ले जाता हूं, इसको मिटा दूं, ये होगा। सो यहां पर हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा इनटू एक्स ए होगा, तो कांस्टेंट को के एच से डिनोट करते हैं, इसको कहेंगे हेनरीज कांस्टेंट। पी ए क्या हुआ, अब यहां पर समझ लोगे, पी ए क्या हुआ, ये पी ए हुआ प्रेशर। अगर हम वो गैस की बात करें तो प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि गैस का दाब, दूसरी बात होगी गैस का आंशिक दाब भी लिख सकते हो या पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं यहां पर हिंदी में भी लिख देता हूं, गैस का आंशिक दाब। दूसरी बात होगा एक्स ए, तो ये होगा गैस का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर के एच का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से बेटा पढ़ाई में एक बात हमेशा ध्यान रखना, मजा लेने की जगह पे उसे सीखें, समझें और यूज करें, ये शब्द पे ध्यान देना। चलो हो गया, सीखें समझें और यूज करें, ठीक है। चलो जितना नोट करना है हो गया, कहां कहां पे क्या क्या चीज लिखना है, इसको और भी आगे लिख सकते हो या करके स्मॉल एम, सॉरी ये यार थोड़ी सी कहीं कहीं पे लिखने में परेशानी होती है, बोर्ड एक तरफ बहुत ही बढ़िया होता है लेकिन दूसरी तरफ कहीं पे लिखते समय तकलीफ देती है, के एच पी ये भी लिख सकते हो। तो यहां पे पता है ना एम क्या है, मास ऑफ गैस हेनरीज कॉन्स्टेंट, एंड पी है प्रेशर ऑफ गैस। चल ठीक है, हो गया, नोट कर लिए, यस नो। अब थोड़े आगे चलते हैं, उपेंद्र दुबे आपने बोला ग्राम फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, सिंपल अनुपात होगा तो, NaCl का अगर मैं अणुभार निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहूंगा तो कैसे निकालोगे, एसिटिक एसिड का निकालने के लिए बोलूंगा तो कैसे निकालोगे अणुभार, बिल्कुल वैसे ही ग्राम फार्मूला मास निकाला जाता है, जैसे NaCl के लिए उस चीज को जो अणुभार कहते हैं उसको ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, तो उसे कैसे निकालोगे, बिल्कुल वैसे निकालोगे जैसे अणुभार निकालते हो, जैसे NaCl के लिए क्या होगा अणुभार जो है ग्राम फार्मूला मास होगा, तो NaCl के निकालोगे जो अणुभार तो कैसे निकालोगे, NaCl में Na का होता है एटॉमिक मास 23 और Cl माइनस का हो, Cl का कितना होता है 35.5 यानी कि हो जाएगा 58.5, बिल्कुल वैसे निकालोगे, ठीक है उपाध्याय जी, क्लियर हो गया। तो आयनिक कंपाउंड के लिए जो अणुभार होगा वो ग्राम फार्मूला मास कहलाता है, ग्राम फार्मूला मास नहीं कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं, और ग्राम फार्मूला मास मतलब उसका द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान बटा फार्मूला मास, ओके चलो क्लियर है, ग्राम फार्मूला मास नहीं कहेंगे ना, फार्मूला मास कहेंगे, क्योंकि अभी अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती, कहीं पे कमी आ जाती है ना, तो थोड़ा वीडियो दोबारा कर लेना। चलो आगे चलते हैं, हो गया होगा सबका, आगे बढ़ो। चलो ये वाला जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल का एक क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि इस न्यूमेरिकल को आज मैं इसलिए नहीं समझाने वाला क्योंकि इस न्यूमेरिकल को अभी समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा खाएगा, उसके जगह पे कुछ टॉपिक कर ले, अभी हेनरीज लॉ को दिमाग में पकाओ,
और थोड़ी सी बुक भी देखो, बुक देखना जरूरी है, जो भी बुक आपके पास होगा। चले आगे चलते हैं। हाँ जी, टी टाइम, गेबर हसन, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। वेपर प्रेशर हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा, रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर नहीं, नहीं पढ़ाए हैं, सॉरी 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 सॉरी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। चलिए अब बताओ मुझे, वेपर प्रेशर हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलिए वेपर प्रेशर हुआ है कि नहीं। चलो सिंपल सी एक बात कहूंगा वेपर प्रेशर को समझने के लिए, ज्यादा इधर उधर का नहीं कुछ करेंगे, सिंपल सी बात कहेंगे। देखिए एक फिगर बनाता हूं, बात समझ में आ जाएगी। एक बोतल जैसा बनाता हूं, ये लीजिए, इसमें मैंने थोड़ा पानी भर दिया, थोड़ी जगह खाली रखना जरूरी है ना। चलिए इस पे मैंने लगा दिया एक कॉर्क, अच्छे से बंद कर दिया उसके ढक्कन से। चले क्या बोलते हैं, ये है एक बोतल, बोतल में भरा हुआ है कोई लिक्विड, वो पानी हो सकता है या कोई दूसरे लिक्विड हो सकते हैं। आप इसको छोड़ दिए काफी समय के लिए, तो आप एक चीज देखते हो कि ये जो पानी है या लिक्विड है वो कुछ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, और आप क्या देखते हो कि थोड़ी से ज्यादा समय के बाद देखते हो कि उसके ये दीवार से कुछ पानी जो है या वो लिक्विड है वो बहने भी लगता है। वेपर में परिवर्तित होती है वो तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ बहते हुए नजर आता है वो जरूर दिखाई देता है। ये बहते हुए कहां से आई, क्योंकि ये जो लिक्विड था वो वाष्प में परिवर्तित हुआ वेपर में, और ये जो वेपर है वो नीचे आया, ये होता है। अब मैं कहूंगा कि इस ढक्कन को थोड़ा सा खोलेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, यहां पर नजर आएगा कि एक तरह से फिस करके साउंड आएगी, मतलब थोड़ी सी गैस बाहर निकलती है, मतलब अंदर एक इसका लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री होने लगता है और वेपर बनाता है, वाष्प बनाता है, वाष्प बनाता है, और ये जो वाष्प होता है उसका कुछ इसके दीवार पर और इस लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर डालता है, यानी कि चारों तरफ एक प्रेशर डालता है, उसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम पी से डिनोट करेंगे, लेकिन ये प्रेशर इसके द्वारा पड़ता है, ये कौन जनरेट कर रहा है, इसमें जो लिक्विड है वो वेपर में परिवर्तित होने के लिए जितनी ताकत लगाती, जितने प्रेशर लगाती है, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। सो मैंने सिंपल वे में लिख दिए हैं यहां पे, किसी द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं के द्वारा, द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक दाब वाष्प दाब कहलाता है। द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित होती है, तो द्रव से वाष्प में यानी वेपर में परिवर्तित होने के लिए किसी ना किसी तरह का एक प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा, उसी दबाव का को कहा जाएगा वाष्प दाब। बाकी आप एक बार सोचो हल्का सा, फिर बताओ। ठीक है, अब चलो सिंपल सी बातें हैं। अब इस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करेगा, इसको समझेंगे। मैं एक फिगर बना रहा हूं बस थोड़ा समझाने के लिए। ये सरफेस का जो लिक्विड है के जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो वेपर में परिवर्तित होने के लिए जो प्रेशर लगाती है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। इस पर एक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, वो है 1 atm का, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, हम पर भी पड़ रही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर हवा है, हवा हमें एक दबाव लगा के रखी है, अगर ये प्रेशर हट जाए तो हम फट जाए, फैल जाएंगे। जो बलून होता है उस बलून को समुद्र के नीचे ले जाएंगे तो इतना बड़ा बलून छोटा होने लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर पानी का प्रेशर पड़ती जाती और छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन उसी बलून को हम ऊपर ले जाएं तो वो बलून का साइज बढ़ने लगता है, अगर और ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो फट जाएगा। मतलब देखें, ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर का प्रभाव पड़ता है।
तो प्रेशर तो इस जगह पर जिस जगह पे है उस जगह पे एटमॉस्फेयर, देखिए बलून है, बलून पर जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ही ये छोटा होते जाएगा। तो अभी जो है जब बलून भरा जाता है तो बलून में क्या होगा, बलून में आंतरिक रूप से थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है और एक निश्चित प्रेशर होने के बाद दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाती है सो वो एक निश्चित साइज आ जाता है, समझ रहे हैं? तो ये कहा जाता है। तो समझेंगे मेरी बातें कि बलून पर या किसी भी चीज पर एक प्रेशर पड़ रही है, हम पे भी एक प्रेशर पड़ रही है, किसी सामान पर प्रेशर पड़े वो एक एटमॉस्फेरिक। तो इस पानी पर या इस द्रव पर एक प्रेशर पड़ रहा है वह है वन एटमॉस्फेरिक। देखिए अगर इस द्रव का वेपर प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक, इस जगह पर वेपर प्रेशर जो है वन एटमॉस्फेरिक या उससे कम है तो यह लिक्विड फॉर्म में है। द्रव का वेपर प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक से कम है तो ये, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है तो ये द्रव अवस्था में होगी। लेकिन अगर ये प्रेशर कम हो जाए, अगर अपने बॉटल से पंप की सहायता से ऊपर का हवा खींचने लगेंगे तो पानी कम ताप पर भी उबल जाएगा, अपने आप उबलने लग जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये प्रेशर कम होगा तो ये जो द्रव है वो उबलने लगेगी, लिक्विड में परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन ये प्रेशर ज्यादा होगा तो ये लिक्विड अवस्था में रहेगी। सो ये प्रेशर आप निश्चित है क्योंकि खुला बर्तन है, खुले बर्तन में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो याद रखो क्या होता है, इसका वाष्पदाब, द्रव का वाष्पदाब एक एटीएम से कम है तो वो लिक्विड है और एक एटीएम से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, वो गैस बन जाएगा। यानी वो सारे पदार्थ जो हमारे पास गैसीय अवस्था में है उनका वेपर प्रेशर वन एटीएम से ज्यादा है, और वो सारे पदार्थ जो लिक्विड है या सॉलिड है उसका वाष्पदाब एक एटीएम से बहुत कम है। क्लियर हो गया, थोड़ी से समझेंगे। अब ये वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। एक तो है टेम्परेचर, मैं यहीं पे लिख देता हूं, टेम्परेचर, तापमान, तापमान, समझ में आ रही बेटा, टेम्परेचर। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जितना ज्यादा आप गर्म करोगे उतना ज्यादा इनकी अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। सो क्या होगा, उनके बीच का एट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल कम होने लगेगा। आकर्षण बल कम होने से वो अणुएं दूर चली गई, और जब ये आकर्षण बल कम हुआ तो वो अणुएं अलग होने लगेंगी। यानी ताप बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ओके? ताप बढ़ाओगे तो ये अणु में ज्यादा से ज्यादा मुक्त होंगी और इस तरह से यहां पर जो प्रेशर लगाएगा वो ज्यादा से ज्यादा लगाएगा। दूसरी बातें भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन सारी चीजों को सिर्फ समझने का है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा वेपर प्रेशर क्या है, इस पे कौन प्रभाव डालता है, ये नहीं पूछने वाला क्योंकि ये जनरल है। क्योंकि इन चीजों का उपयोग करेंगे बेटा कल की पढ़ाई में, परसों की पढ़ाई में, उसके बाद वाली पढ़ाई में वेपर प्रेशर यूज होने वाला है, इसलिए इस बात को समझाना मेरे लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो चले दूसरी बातें क्या होने वाली हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट, ताप बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। दूसरा देखें नॉन वोलेटाइल, अब तक मेरी वॉइस आ रही है, लाइट गोल हो गया है, लाइट चली गई है पर पढ़ाई रहेगा, चले। तो क्या बोला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय, फिलहाल इस बारे में बात करता हूं मैं। चलें, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्पदाब बढ़ता है, क्लियर हो गया। यहां पर नॉन वोलेटाइल मतलब नमक, NaCl, क्या वो वाष्पित होती है, वेपराइज हो जाती है, नहीं होती ना। तो ऐसे पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये मिलाते हैं तो क्या होगा, देखो ये पानी की सरफेस है, जल का सरफेस है, ले लीजिए इस सरफेस में सिर्फ जल की अणुएं हैं, जल की अणुएं हैं तो उसका वाष्पदाब होगा क्योंकि जल वाष्पित होती है, लेकिन नमक वाष्पित नहीं होती है। सो क्या होगा कि अगर नमक भी इसमें मिलाते जाएंगे तो नमक क्या करेगा, सरफेस में उसकी भी कुछ अणुएं आ जाएंगी, कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सो वाष्पित होने वाली अणुओं की संख्या कम हो गई, अवाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ने लगी।
फाइनली ये कहेंगे जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, अवाष्पशील विलेय मिलाओगे, वैसे वैसे इनकी वाष्प में परिवर्तन कम होते जाएगा और क्या होगा, वाष्प पदार्थ कम होता जाएगा। ये दो बातें आप पकड़ लो, आपके बहुत काम आने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, सांद्रता बढ़ाने पर वाष्प पदार्थ कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यानी सांद्रता बढ़ाने पर वाष्प पदार्थ घट जाती है। ये दो बातें पकड़ लें, ताप बढ़ाने पर वाष्प पदार्थ बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, सांद्रता बढ़ाने पर वाष्प पदार्थ घटता है। ये दो बातें आप पकड़ लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो बेटा अब बोलो, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो क्या? कमेंट्स नहीं आ रहे अभी? चलिए अब कमेंट कर सकते हो, जो पूछना है, जो बताना है, जो कहना है आप कह सकते हो। उपाध्याय जी का आया हुआ है, ग्राम फार्मूला मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, उसके बाद की बात बताइए। चलिए जी, तो चलो बेटा आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। तो